आप देख रहे हैं दखल न्यूज। 8 व्यवस्था को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हुआ हमलावर, प्रियंका गांधी और स्वामी ने खड़े किए सवाल। असम में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स की अंतिम सूची जारी, 19 लाख से ज्यादा लोग शामिल नहीं। महाराष्ट्र में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट, 12 लोगों की मौत और 58 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर घमासान, सिंधिया बोले उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। और कोटमार मेले में जमकर चले दोनों ओर से पत्थर, तकरीबन 300 लोग हुए घायल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सरकार ने हाल ही में कई कदम उठाए हैं और इसी बीच देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की हालत पंचर कर दी है। ताजा आर्थिक हालातों पर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट में लिखा, जीडीपी विकास दर से साफ है कि अच्छे दिन का भोंपू बजाने वाली भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था की हालत पंचर कर दी है। न जीडीपी ग्रोथ है और न रुपए की मजबूती, रोजगार गायब है। अब तो साफ करो कि अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देने की ये किसकी करतूत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी ग्रोथ धीमी होकर 5% हो गई है। पिछले क्वार्टर से इसमें 0.8% की गिरावट आई है। इसके पूर्व भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी कह चुके हैं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनते दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर नई इकोनॉमी पॉलिसी नहीं आती है तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को गुड बाय कहने के लिए तैयार रहिए। सिर्फ नॉलेज या सिर्फ बोल्डनेस से ही अर्थव्यवस्था को चौपट होने से नहीं बचाया जा सकता। बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बीच हाल ही में सरकार ने आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ की राशि ली है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। आर्थिक मंदी की आशंका और बाजार में उथल पुथल के बीच सरकार के लिए इस मुश्किल हालात से उबरने बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। देश के ऑटो सेक्टर के साथ ही बैंकिंग और अन्य सेक्टर में भी आर्थिक मंदी का असर अब नजर आने लगा है। असम में भारतीय नागरिकता स्थापित करने वाले नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स की अंतिम सूची आज जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में असम ने 19 लाख से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया है। इसके बाद से ही प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। प्रदेश में काबिज भाजपा के ही एक मंत्री ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूची पर नाखुशी जताते हुए इसके दोबारा सत्यापन की मांग कर डाली है। सरकार ने एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की है। इसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों को सूची से बाहर रखा गया है। वहीं 3.11 करोड़ लोगों ने सूची में जगह बनाई है। फाइनल लिस्ट में असंतुष्ट बीजेपी के मंत्री हिमंत विश्वास शर्मा ने दोबारा दस्तावेज सत्यापन की मांग की है। असम सरकार में वित्त मंत्री हिमंत विश्वास शर्मा ने एनआरसी लिस्ट पर असंतुष्टि जताई है। वे भाजपा की नॉर्थ ईस्ट में ग्रोथ के साथ ही एनआरसी के समर्थक रहे हैं। उनका कहना है कि अंतिम सूची से कई ऐसे लोगों का नाम छूट गया है जिनका अधिकारियों द्वारा रिफ्यूजी सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दिया था। शर्मा ने कहा, भारतीय नागरिक जो 1971 के पहले बांग्लादेश से आकर यहां बसे थे, उनके नाम एनआरसी सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोगों के नाम इसीलिए जोड़ दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने वंशावली के दस्तावेजों को हेरफेर कर सही कर लिया था। सेंधवा से 50 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के शिरपुर की केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा सुबह उस वक्त हुआ जब गैस सिलेंडर में धमाका हुआ। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और इसकी चपेट में आने से 12 लोगों की मौत हो गई और 58 लोग घायल हो गए।
हादसा हुआ उस वक्त फैक्ट्री में 70 से ज्यादा लोग मौजूद थे। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर स्थानीय प्रशासन के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम और बचाव दल पहुंच गया। फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक 6 लोगों की मौत हुई है और 43 घायल हुए हैं। घायलों का महाराष्ट्र के धुलिया और शिरपुर स्थित अस्पताल में उपचार जारी है। बचाव कार्य अभी जारी है। फैक्ट्री में लोग फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सूबे की कांग्रेस में सियासत गरमाई हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पद पर काम करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के दूसरे गुट भीतर ही भीतर सिंधिया को नापसंद कर रहे हैं। ऐसे में सिंधिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ज्योतिरादित्य कह रहे हैं, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर गुटबाजी का शिकार हो गई है। कांग्रेस का एक खेमा ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए सक्रिय है। वहीं कांग्रेस के बाकी धड़े इस बात के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि छोड़ सिंधिया, कोई भी प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाए। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सिंधिया शायरी के माध्यम से साफ कह रहे हैं, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। असूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना। इधर पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेता इन खबरों को हवा देते रहे हैं कि कांग्रेस में डाल न गलने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं। जाहिर है सिंधिया को पीठ पीछे उन्हीं की पार्टी के नेता डैमेज कर रहे हैं। सिंधिया की बातों से भी जाहिर है कि इस बार वे किसी समझौते के मूड में नहीं है। इससे पहले सिंधिया को उम्मीद थी कि कांग्रेस उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सिंधिया और उनके बाद यह माना जा रहा था कि राहुल गांधी की जगह कांग्रेस अध्यक्ष का जिम्मा सिंधिया को दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब ज्योतिरादित्य और उनके समर्थक मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पाना चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इस बीच सिंधिया के बेटे आर्यमन सिंधिया ने अपनी फेसबुक वॉल पर पूर्व सांसद सिंधिया की एक पोस्ट डाली है, जिसमें सिंधिया कह रहे हैं, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। कमलनाथ जी, ये तो इंतहा है कि आपके राज में बच्चों को पैरों पर रोटी रखकर खाना पड़ रही है। ऐसा लग रहा है सिस्टम का भट्टा बैठ गया है। बच्चों को स्कूल में हाथों में खाना दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए थाली नहीं है, थाली भी है, लेकिन आपके कर्मचारियों की नीयत ठीक नहीं है। इनका बस चले तो ये बच्चों के हाथ में नेवाला ही छीन ले। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, ये दृश्य आपके राज का है। आपके स्कूलों में बच्चों को ऐसे हाथ में खाना दिया जाता है जैसे भीख दी जा रही हो। इन गरीब बच्चों को आपकी सरकार के कारिंदे थाली तक नहीं देते हैं। अब आप ही बताइए, ये रोटी कहाँ रखें? कोई जगह है? नहीं तो पैर पर ही रख लेते हैं। ये अबोध बच्चे ना विरोध कर सकते हैं और ना किसी से कुछ कह सकते हैं। इनकी थाली तक पर तो भ्रष्ट तंत्र ने कब्जा कर लिया है। जब थाली ही गायब है तो खाने की क्वालिटी पर बात करना ही बेमानी है। दिया जाता है हाथ में, हाथ में दिया जाता है। अभी आपको जो रोटी दी गई है उसके साथ सब्जी नहीं दी गई क्या? या देते हैं या नहीं देते? देते हैं। आपके शिक्षा विभाग में तो तबादलों का खेल चल रहा है। ऐसे में गरीब बच्चों के खाने की सुध कौन ले? आपके मंत्रियों के लिए ये सब छोटी मोटी बातें हैं। सागर के जैसी नगर संकुल केंद्र के तोड़ा तरफदार गांव में संचालित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में बच्चों के लिए ये सब अब आम बात है, लेकिन सभ्य समाज में बच्चों और अन्य का इससे बड़ा अनादर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इस सब के लिए जवाबदार आपकी सरकार के कारिंदे को पता ही नहीं होता कि उनकी नाक के नीचे हो क्या रहा है। इस सब के लिए जो जिम्मेदार है पहले उनकी भी सुन लेते हैं। अध्यक्ष से ही बोला है और बीआरसी से ही बोला था, और यहाँ के जो मध्यान्ह भोजन है वहाँ के जो कर्मचारी आते हैं उनके दिन मजूरी वाले आते हैं ना, वो जो रसोईया जो है लगे हैं ना वो कभी आते हैं यहाँ ना और हाथों में खाना देते हैं बच्चों को, और कागज़ में खीर वगैरह कभी कभी, और पूरे बच्चों को होता नहीं है खाना।
ने अध्यक्ष आते हैं, अध्यक्ष ने भी मध्याह्न भोजन वालों की जो कमेटी से बोला है कई बार, लेकिन उनने कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। देखिए कि ये फर्स्ट टाइम इशू हम लोग के सामने आया हुआ है और आप लोगों के माध्यम से है। अभी एक वीडियो भी आप लोगों ने रखा था मेरे सामने, तो इसकी एक जांच होगी सबसे पहले तो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है करके, और अगर जांच में सही पाई जाती है वो शिकायत तो इमीडिएटली SLG जो उसमें खाना बना रहा है उसको हटाया जाएगा। बच्चों के हाथ में खाना देने के मामले के दृश्य आप एक बार और देखिए कि इन्हें खाने में दिया क्या जा रहा है। एक या दो सूखी रोटी और थोड़े सी सब्जी, सब्जी भी जिन बच्चों को चाहिए तो उन्हें कटोरी या बर्तन घर से लाना पड़ेगा। मध्याह्न भोजन में इससे बड़ी लापरवाही और क्या होगी कि बच्चों का खाना तक भ्रष्ट लोगों के पेट में समा रहा है। जिनका काम खाना बनाना और बच्चों को खिलाना है, उन्होंने सब कुछ ठेका पर दे रखा है। इस संबंध में स्कूल के प्राचार्य राजेश दुबे का कहना है, इस संबंध में कई बार SDM अध्यक्ष और BRC को भी बताया गया, लेकिन किसी तरह का सुधार नहीं हुआ और मध्याह्न भोजन समूह संचालक के लोग बच्चों को हाथों में भोजन देकर चलते बनते हैं। मध्याह्न भोजन की समिति से भी इस संबंध में शिकायत की, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, ये तो नमूने की एक तस्वीर है, कई जगह तो हालात इससे भी बदतर हैं। समय रहते कुछ कीजिए, नहीं कुछ भ्रष्ट लोग आपकी सरकार के अच्छे कामों पर बच्चों का निवाला डकार कर कालिख लगाने से बाज नहीं आएंगे। खरगोन कलेक्टर गोपाल चंद्र डाज ने पर्यटन स्थलों पर सेल्फी लेने पर धारा 144 लगाई है। जिले में स्थित झरने, प्रमुख घाट, नदी, पुल के पास सेल्फी लेने वालों के खिलाफ अब धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी। सेल्फी के चक्कर में एक लड़की के नर्मदा में डूब जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। खरगोन जिले में स्थित झरने, प्रमुख घाट, नदी, पुल के पास सेल्फी लेने वालों के खिलाफ अब धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी। मंडलेश्वर नर्मदा पुल पर अपने भाई के साथ युवती वंदना नर्मदा का पूजन कर मछलियों को चने डालने वाली थी, उसके लिए वे रेलिंग पर चढ़ी। भाई अपने मोबाइल से उसकी तस्वीरें खींच रहा था। कुछ ही पल में बहन एक झोंके के साथ उफनती नर्मदा नदी में समा गई। इसके कुछ दिन पहले भी रूपाली पटेल भी पुल से नर्मदा नदी में गिर गई थी। दोनों की सर्चिंग जारी है। इन घटनाओं के मद्देनजर गुरुवार को कलेक्टर डार्ड ने जिले के सभी प्रमुख घाट, झरनों और जोखिम भरे सभी स्थानों पर सेल्फी लेने वालों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। एक्चुअली सेल्फी के चक्कर में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है। उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हम धारा 144 में सेल्फी प्रतिबंध लगा रहे हैं। जो मेजर तालाब है या जहां डूबने की संभावनाएं ज्यादा है, उन सभी पॉइंट्स पर सेल्फी प्रतिबंधित कर रहे हैं। पूरे ये जिले में कर रहे हैं, जहां जैसे मेजर घाट्स है जहां की एक्सीडेंट्स के खतरे बढ़ रहे हैं, या पुलिया है, अथवा सिरवेल महादेव का जैसे झरना स्थल है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने बोलों के कारण विवाद में रहने वाली भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक मुझे कुछ नहीं होने वाला। प्रज्ञा ने कहा, देश में धारा 370 कलंक जैसी थी,
सांसद प्रज्ञा सिंह ने कहा, जब तक देश में राम मंदिर नहीं बन जाता मुझे कुछ नहीं हो सकता। देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और हम सब उसके साक्षी बनेंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने धारा 370 को देश से ऊपर कलंक बताते हुए कहा कि धारा 370 हटने के बाद हमारा भारत अब अखंड हो गया है। उन्होंने कहा कि अब हमें राम मंदिर के निर्माण को लेकर कोई संदेह नहीं है। ये धारा 370 हमारे देश पर कलंक था, भयानक पीड़ा थी और वो मिट गई। और ये कैसे संभव होता है? जब भी कोई राष्ट्रकार होता, भगवान प्रभु राम जी राष्ट्र हैं, और जब ये राष्ट्र हैं तो इनके राष्ट्र में कभी कोई पीड़ा हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रभु राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम राज्य में कहीं कोई किसी प्रकार की बाधा पीड़ा और ये सब नहीं होती है। इसलिए हम सब राम राज्य में विराजमान हैं, और जहां कहीं राम राज्य नहीं है वहां राम राज्य लाना है। भोपाल के इंद्र विहार छात्रावास में बच्ची के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। बच्ची का आरोप है कि छात्रावास में वार्डन की बेटी बच्चियों के साथ मारपीट करती। भोपाल के इंद्र विहार कॉलोनी में संचालित होने वाली विमुक्त जनजाति कल्याण छात्रावास की एक छात्रा से मारपीट का मामला सामने आया है। छात्रावास में रहने वाली एक 12 वर्षीय छात्रा ने छात्रावास की वार्डन की बेटी पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। छात्रा के साथ मारपीट का खुलासा उस समय हुआ जब छात्रा स्कूल जाने में लेट हो गई और बाहर स्कूल का गेट बंद होने पर स्कूल ना जाकर एक पान की दुकान पर बैठ गई और रोने लगी। छात्रा को लेट होने पर स्कूल में ना बैठने देने की जानकारी मिलने पर जब कुछ पत्रकार वहां पहुंचे तो छात्रा ने यहां मीडिया को आप बीती बताई। आंटी अच्छी है, जो वार्डन है वो अच्छी है, पर उनकी लड़की बहुत बेईमानी है। वो स्कूल से अगर घर आ जाती है तो मारती है। हाँ, उसने हम सब लेट हो गए तो सबको मारा। छात्रा ने बताया कि स्कूल जाने में लेट होने पर स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता है और गेट पर मौजूद महिला द्वारा भगा दिया जाता है, जिसके बाद छात्रा से पूछा गया कि वो वापस छात्रावास क्यों नहीं गई। तो छात्रा ने कहा कि छात्रावास वापस जाने पर वार्डन की बेटी मारपीट करती है। छात्रा बहुत ही डरी हुई थी। जब बच्ची से वापस छात्रावास जाने का कहा गया तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने छात्रा के परिजनों और छात्रा की बात कराई और वह छात्रावास जाने को राजी हो गई। छात्रा जब छात्रावास पहुंची तो वार्डन की बेटी उसको डांटने लगी। मीडिया कर्मियों के द्वारा रोकने पर वार्डन और उनकी बेटी द्वारा भी मीडिया कर्मी से बदतमीजी की गई। एक मामले में शौहर ने अपनी बीवी को कोर्ट परिसर में ही 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत रामपुर चौकी में की है। अभी तक इस मामले में पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला है। 3 तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा कठोर कानून बनाए जाने के बावजूद इसका उल्लंघन जारी है। 10 साल पहले जबलपुर निवासी आशिया परवीन का निकाह पचरी पारा निवासी नियाज खान से हुआ था। सरकारी शिक्षक नियाज खान निकाह के बाद से ही अपनी बीवी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। लगातार प्रताड़ना से क्षुब्ध आशिया ने दहेज प्रताड़ना की जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो नियाज ने उसका साथ छोड़ दिया। इसी प्रकरण में जब आशिया अदालत पहुंची तो नियाज खान उससे बदसलूकी करते गाली गलौज करने लगा। कोर्ट परिसर में ही नियाज खान ने 3 बार तलाक कहते हुए कानून को ही चुनौती दे डाली। इस मामले में ASP जयप्रकाश बढ़ाई ने बताया कि 3 तलाक जैसा कोई मामला नहीं है। पीड़िता ने शिकायत दी है जिस पर जांच कर कार्यवाही चल रही है। मेरी शादी 22 मई 2009 को हुई थी और शादी को 10 साल हो गए सर, और मेरे पति के खिलाफ 408 का केस चल रहा था जिसमें अभी 23 तारीख को फैसला हुआ और वो उस केस से बरी हो गया सर। अभी जब 23 तारीख को फैसला हुआ उस फैसले के बाद मैं 26 तारीख को नकल शाखा में नकल निकलवाने गई थी तो सर ने बोला ठीक है बेटा आप नकल दे दो, आपको 4 बजे तक नकल मिल जाएगी। उसके बाद जैसे उन्होंने बोला थोड़ा देर बाद मेरे पति की एंट्री होती मोहम्मद न्याज खान की कि ये कितनी बार नकल निकलवाई कि 2500 बार तुझसे नकल निकलवाया। मैं तुझको मैं तो लिखित में बोला ही था कि मैं तुझको तलाक दे चुका समाज में, अब मैं तुझको खुलेआम उसने मुझको 3 बार सर तलाक 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 बोल के बोलता है कि अब जा तू कहीं भी तुझको जाना हो जा, तुझको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। ये पति पत्नी का मुद्दा 498 का प्रकरण था जिसमें क्या बोलते पति के द्वारा नकल निकालने के लिए अदालत गया हुआ था, तो वहीं पत्नी के साथ उसका विवाद हुआ जिस पर से पत्नी के द्वारा चौकी रामपुर में शिकायत दी गई है। ग्वालियर में छुट्टी पर आए सेना के जवान ने अपने घर पर जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है।
सेना के जवान सूरज शर्मा ने मुरार में अपने घर पर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर अवस्था में सूरज को उसके परिजन ने निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां सूरज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूरज के छोटे भाई आकाश ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। आकाश का कहना है कि किसी लेन देन को लेकर सूरज पर उसके ससुर दबाव बना रहे थे। बताया जा रहा है कि सूरज 16 अगस्त को छुट्टी पर ग्वालियर आया था। वर्तमान में उसकी तैनाती पंजाब के फिरोजपुर में है और 15 अगस्त को सूरज एक बेटे का पिता बना था। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर सूरज के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज से 2 दिन पहले थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो उसी के कारण वो ससुर गाड़ी थोड़े दिन के लिए दी थी। वैसे हमेशा जब से शादी हुई है जब से गाड़ी वही रखता है। कल तो ये था कि ना, मैं तो मार्केट में था, मुझे पता नहीं था, तो मेरी सिस्टर का कॉल आया था, तो भाई ने जहर खा लिया, तो मैं भागते भागते घर पर आया था, तो मुझे भाई मेरा घर पर मिला नहीं था। तो नज़दीकी हमारे 12 दरी पे KDG हॉस्पिटल है, उसमें लेके गए थे तो मना कर दिया था। वहाँ से सीधा फिर GH में लेके गए थे, GH में एडमिट कर दिया था। एडमिट करने के बाद से लेके फिर रामश्री हॉस्पिटल में लेके गए, जो गोले के मंदिर भिंड रोड पर है, वहाँ पे एडमिट किया। रात को 2 बजे एडमिट कर दिया था, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उसकी डेथ हो गई। कल दिनांक 29 को उसको कुछ पॉइजन खाने की वजह से उनके घर वालों ने उसको प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती किया था, और उसी दौरान भर्ती के दौरान इलाज के दौरान उसकी वह कर राती में डेथ हो गई सवेरे आकर के। नहीं, अब ऐसा मतलब सुना है कि मैंने लोन वोन कुछ ला निकाला है, ऐसा ससुराल वालों से कुछ चल रहा था, हमारा अभी ऐसा कुछ को डिटेल नहीं आई है, ना भी कोई बयान कथनों में आया, अभी दिया है जब उसकी जांच वांच होगी, उसके बयान बयान होंगे, तब उसकी कुछ पता चलेगा। बलात्कार के आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस रेप के आरोपी को पकड़कर मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर आई, वहीं उसने फांसी लगा ली। यह मामला छतरपुर के बड़ा मलेहरा का है। छतरपुर के बड़ा मलेहरा स्वास्थ्य केंद्र में रेप के आरोपी ने खुदकुशी कर ली। आरोपी की खुदकुशी की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। भंगवा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को टीकमगढ़ का वीरेंद्र लोधी बहला फुसला कर भगा ले गया था। बाद में नाबालिग लड़की घर लौट आई और उसने आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया, जिस पर आरोपी को पुलिस पकड़कर लाई थी, जिसका मेडिकल बड़ा मलेहरा स्वास्थ्य केंद्र में होना था। आरोपी स्वास्थ्य केंद्र के बाथरूम में गया और तौलिए से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जब आरोपी काफी देर तक बाहर नहीं आया तो अस्पताल के कंपाउंडर ने बाथरूम को देखा तो आरोपी फांसी पर लटका हुआ था। पुलिस ने इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। वीरन नाम था उसका, 376 का आरोपी था, तो उसकी डॉक्टरी करवाने के लिए यहाँ लाया गया था उसको। तो उसका मेडिकल करने के बाद क्या है, बलात्कार के केसों में स्लाइड बनाई जाती है, तो स्लाइड बनाने के लिए वार्ड बॉय हमारा, तो दोनों पुलिस वाले उसको ले गए बाथरूम में, उसको अंदर कर दिया। काफ़ी देर हो गई तो पुलिस वालों ने देखा, ठकाया, दरवाजा नहीं खुला तो खोल के देखा, तो वो उस पर लटका हुआ था फांसी के लिए। अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा युवा मोर्चा ने भोपाल के बैरागढ़ में विरोध रैली निकालकर विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संबल योजना में होने के बाद भी 1000 तक का बिल आ रहा है। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने रैली निकाली और विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग मनमाना बिजली कटौती कर रही है, बार बार हो रही अघोषित कटौती से आम जन परेशान है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से बिजली जाने का सिलसिला शुरू हो गया है, दिन में 4 से 5 बार बिजली जा रही है। ऊर्जा मंत्री हाय 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 हाय, ऊर्जा मंत्री हाय 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 हाय। जब से कांग्रेस सरकार आई है, प्रदेश के साथ साथ संत नगर में भी निरंतर लाइट कटौती हो रही है, कि स्ट्रीट लाइट शहर की देखेंगे तो 50% बंद है। 8-8, 10-10 बार CM हेल्पलाइन या अपना नगर निगम में जो उनका बना हुआ है या और प्लस विद्युत विभाग का बना हुआ है, तो शिकायत करने के बाद भी नहीं बन रही है। आपसे देखेंगे शहर में 50% लाइट बंद है। हमने आज ज्ञापन के माध्यम से विद्युत विभाग को चेताया है। निरंतर संत नगर में सुबह रात को 11 बजे लाइट जा रही है, सुबह 11 बजे लाइट आ रही है 14 अगस्त को, और लगातार संत नगर में दिन में 3 से 4 बार बिजली जा रही है। हम ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, अभी भी विवाद की बिजली बंद है सुबह 4 बजे से। बहुत सारी शिकायतें हुई, कोई समाधान नहीं हुआ है। CM हेल्पलाइन पे शिकायत करते हैं तो उनका कहना आखिरी पल्सर ये रहा कि बार बार हमें फोन मत करना, हम जब चाहेंगे जब उनको सुधारेंगे लाइट को, हमारे इसमें कोई रोल नहीं है।
रहवासियों का कहना है कि संबल योजना में शामिल लोगों को भी हजारों रुपए का बिल भेजा जा रहा है। विभाग को चाहिए कि वह इसकी जांच कार्यवाही तक करे ताकि जनता को परेशानी ना हो। उधर बिजली विभाग का कहना है कि बारिश होने की वजह से बिजली जा रही है, सुधारने का कार्य किया जा रहा है। मैं अभी देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन क्या हुआ कि रात को बहुत तेज बारिश हुई, पूरी रात ही बारिश हुई। बारिश के कारण थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी उस दिन, और मैं उसी दिन ज्वाइन किया। मैं धीरे धीरे सुधरवाऊंगा, जरूर ये कुछ समझने लगा है, कुछ सुधरने भी लगा है, आगे जाके और सुधरे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोरबा कलेक्ट्रेट में बाल अधिकार उल्लंघन के संबंध में शिविर लगाया, जिसमें बाल आयोग के सदस्य यशवंत जैन मौजूद रहे। कोरबा में शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल आयोग ने बाल अधिकारियों का उल्लंघन संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग को आदेश दिए। राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल अधिकार संरक्षण कानून के लिए नीति आयोग के द्वारा जो कमजोर जिले के हैं वहां हम जाकर बैच लगा रहे हैं, जिसमें कोरबा भी शामिल है। इस बैच का उद्देश्य है कि बच्चों को जो शिकायतें आ रही हैं उसका तत्काल निराकरण करना और प्रशासन स्तर पर चाइल्ड लाइन को लेकर जागरूकता लाना। कोरबा के शिविर में कई गंभीर मामले भी आए जिसे तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है। बाकी आवेदनों में संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया जा रहा है कि उसे भी जल्द से जल्द निराकरण करें। देखिए, अभी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत की अध्यक्ष बॉडी है बच्चों के कानून के अधिकारों के संरक्षण के। तो नीति आयोग की दृष्टि से जो अलग अलग बिंदुओं पे थोड़े कमजोर जिले हैं 115, उन जिलों में हम जाके बेंच लगा रहे हैं। उसी के तहत कोरबा भी जो है वो हम आए हैं। इस बेंच का उद्देश्य ये है कि बच्चों के जो गृहव्यास तत्काल जो आ सकते हैं उनके लिए निराकरण। कैनरा बैंक अधिकारी संघ ने भोपाल में सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में अधिकारियों ने केंद्र सरकार से मिनिमम वेज लागू करने की मांग रखी। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने मिनिमम वेज नियम को बैंक में भी लागू किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा जारी मिनिमम वेज को बैंक में लागू कराने के लिए कैनरा बैंक अधिकारी संघ ने सेमिनार का आयोजन किया। अधिकारी संघ का कहना है कि मिनिमम वेज नियम के तहत केंद्र के कर्मचारियों की तरह बैंक कर्मचारियों को भी मिनिमम वेज के तहत रखा जाए। कैनरा बैंक अफसर एसोसिएशन के चेयरमैन राकेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि आईबीए से चल रहा वेतन समझौता नहीं हो पाया है। संघ अधिकारियों का कहना है कि सेवेंथ पे कमीशन को देखते हुए स्किल के अनुसार बैंक कर्मचारियों को पे किया जाना चाहिए। अब बैंक पेइंग कैपेसिटी का कोई औचित्य नहीं रहा। कार्य करती है वो केवल 2% से स्टार्ट करके अभी 10% पे आगे वहाँ अटक गए हैं। मीनवाइल जहाँ तक कैनरा बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का सवाल है, जो कि AIBOC आईबॉक जो हमारी पेरेंट बॉडी है ऑफिसर एसोसिएशन की, उससे संबंधित है। चार ऑफिसर्स ट्रेड यूनियंस ने जो चार्टर ऑफ डिमांड पेशेंट किया था, जो सबमिट किया था भारत सरकार को और IBA को, उसमें हमने मिनिमम वेजेस जो अडॉप्ट की गई 7CPC में जो फार्मूला अडॉप्ट किया गया, हमारी डिमांड है कि वही सेम फार्मूला हमारे ऊपर भी लागू किया जाए। पशुपालक के पशु तंदुरुस्त रहें, इसके लिए बच्चों की तंदुरुस्ती का ख्याल किए बिना पशुपालक ने आंगनबाड़ियों के मध्याह्न में पूरक पोषण आहार को अपने पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। इस आहार से एक पशुपालक के पशु तंदुरुस्त हो रहे थे। पशुपालक के घर से पूरक पोषण आहार जब्त किया गया है। बच्चों की तंदुरुस्ती के लिए आंगनबाड़ियों के माध्यम से पूरक पोषण आहार का वितरण किया जाता है, लेकिन रहली में इस आहार से एक पशुपालक के पशु तंदुरुस्त हो रहे थे। राजस्व अमले ने पशुपालक के घर से पूरक पोषण आहार के करीब 300 पैकेट जब्त किए, जिसमें से 250 पैक में से 50 खाली मिले। राजस्व व महिला बाल विकास विभाग द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। आज श्रीमान तहसीलदार महोदय के आदेश अनुसार ये पूरक पोषण आहार अवैध रूप से एक निजी मकान में रखे होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। चार बोरी ये पूरक पोषण आहार जो कि इसी वर्ष का है, मई माह का पैक्टों में दर्ज होना अंकित पाया गया है,
उसको अवैध रूप से देखा गया ग्रामवासियों के ने और फिर उसकी जब्ती की कार्रवाई की। राजकुमार राजपूत ने तहसीलदार से लिखित शिकायत की थी कि वार्ड नंबर 7 के निवासी शरद चंद सोनी के घर आंगनबाड़ी का पूरक पोषण आहार आया है। तहसीलदार मनोज चरसिया ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पटवारी राजेंद्र प्रजापति को पुलिस बल के साथ छापामारी का आदेश दिया। पटवारी ने पुलिस बल के साथ छापा मारा, जहां पर बोरियों में पूरक पोषण आहार पाया गया तो खाली पैकेट भी पाए गए, जिन्हें जब्त कर पंचनामा बना लिया गया है। जानकारी के अनुसार पैकेट पर 5 जुलाई 2019 की पैकिंग है। ये पैकेट महिला बाल विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ियों को वितरित किए जाते हैं। इस मामले में एसडीएम सीएल वर्मा ने गहन जांच के निर्देश दिए हैं। मामले के बाद महिला बाल विकास विभाग अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। तहसीलदार साहब के यहाँ भी 2 घंटे पहले शिकायत की थी कि हमारे सामने जो रतन सोनी शरद सोनी सनाब रतन सोनी का मकान है, वो गाय भैंस भी रखे हैं, तो उनके यहाँ 2 ठेला वो आया था, 2 बोरी एक ठेला पर पोषण आहार की, 4 बोरी। तो हमने तहसीलदार साहब के यहाँ शिकायत की, उनने बोला थाने में शिकायत करो, थाने में भी शिकायत की, उसके बाद ये कार्रवाई। रैली के एक वार्ड नंबर 7 में कुछ ग्रामवासियों ने शिकायत की थी कि यहाँ पर कुछ अवैधानिक रूप से पोषण आहार रखा है, तो जिसकी जांच कराई गई है, तो जांच के दौरान पाया गया है कि वहाँ पर महिला बाल विकास विभाग का पूरक पोषण आहार के 245 पैकेट पाए गए हैं, जिन्हें जब्त कर लिया गया है और उन्हें पुलिस की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है और उस पर जांच की जा रही है। पांडुर्णा में परंपरागत गोटेमार मेले का आयोजन हुआ। परंपरागत तरीके से एक दूसरे को गोट मारे गए, जिसमें कुल मिलाकर 300 लोगों को चोट आई है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। श्रद्धालुओं ने गोटमार की शुरुआत से पहले पलाश के वृक्ष की स्थापना की, ध्वज लगाने के साथ ही माँ चंडिका के मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके बाद युद्ध का दौर शुरू हुआ और लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। गोटमार मेला में इस बार तकरीबन 300 लोगों को चोटें लगी हैं। घायलों में एक युवक की पहचान गणेश बानखड़े निवासी पांडुर्णा के तौर पर हुई है। घायल युवक के पेट और पसली में चोट लगी है, उसकी चोट को गंभीर बताया जा रहा है, उसे नागपुर रेफर कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस का व्यापक बंदोबस्त किया गया था। गोटमार मेले की शुरुआत 17वीं ईस्वी से लगभग मनाई जा रही है। महाराष्ट्र की सीमा में लगे पांडुर्णा हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन पांडुर्णा और सावर गांव के बीच बहने वाली जाम के वृक्ष की स्थापना कर पूजा अर्चना कर नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पत्थर मारकर एक दूसरे का लहू बहाते हैं। इस घटना में कई लोग घायल हो जाते हैं। ढोल धमाकों के बीच लगाओ लगाओ के नारे के साथ कभी पुढ़र्णा के खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो कभी सावर गांव के खिलाड़ी, दोनों एक दूसरे पर पत्थर मारकर पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं और यह क्रम लगातार चलता रहता है। खिलाड़ी चमचमाती तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर झंडे को तोड़ने के लिए उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये लोग जैसे ही झंडे के पास पहुंचते हैं, सावर गांव के खिलाड़ी उन पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं और पांडुर्णा वालों को पीछे हटा देते हैं। शाम को पांडुर्णा पक्ष के खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ चंडी माता का जय घोष एवं भगाओ भगाओ के साथ सांवर गांव के पक्ष के व्यक्तियों को पीछे ढकेल देते हैं और झंडा तोड़ने वाले खिलाड़ी झंडे को कुल्हाड़ी से काट लेते हैं। जैसे ही झंडा टूट जाता है, दोनों पक्ष पत्थर मारना बंद करके मेल मिलाप करते हैं और गाजे बाजे के साथ चंडी माता के मंदिर में झंडे को ले जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर दिया हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, आजकल तो है ना मौसम, है ना डॉक्टरों का सीजन शुरू हो गया है, बता रहा हूँ, बहुत संभल के रहने की जरूरत है। वो कल मैं खड़ा हुआ था, मेरा गला बैठ गया, मैं डॉक्टर के पास गया, भैया मैं खड़ा हूँ, गला बैठ गया मेरा, देखो क्या हुआ। उन्होंने डॉक्टर साहब पूछते हैं कि हवा खाई थी क्या, मैंने कहा हवा तो खाती है, टहलने जाती है रोज, तो उन्होंने कहा अभी हवा में क्या कीटाणु वगैरह बहुत जा रहे हैं, तो संभल के रहो थोड़ा सा, तो संभलने का मौसम है, आप भी संभल जाओ भैया। अब मोदी जी ने भैया फिट इंडिया का स्लोगन दिया है भैया, और मैंने कल मेरे को एक नेताजी मिल गए जितने बड़ा पेट लेकर घूम रहे थे, और मैंने कहा भैया ये फिट रहो क्या है मोदी जी बोल रहे हैं, तो उनका कहना है भैया नेताओं की फिटनेस उनके पेट से होती है, जिसका जितना बड़ा पेट
उतना बड़ा फेट है आदमी, अरे कमाई हमारी होगी तो कहाँ रखेंगे, रखने की भी जगह होनी चाहिए ना, बता रही हूँ ये तो चल लिया है। और पाकिस्तान में भैया मक्खियों के परेशान है लोग, और मैं बता रहा हूँ जी इमरान खान वो भी है ना, जो जो नेता है उनके वो भी मक्खियों की तरह इमरान खान को परेशान कर रहे हैं। बिलाल भट्ट कह रहे हैं, ये बोले कश्मीर अश्मीर छोड़ो, मुजफ्फराबाद की चिंता करो और पीओके की चिंता करो, बता रहा हूँ ये सब तो चल रहा है। और पाकिस्तान वो भी इमरान खान गुस्से में मिसाइलें फोड़े जा रहे हैं, बता रहा हूँ गजनबी फोड़ दी कल, मैं बता रहा हूँ उनके पास थोड़ी बहुत जो बचा है भैया उसको बचा के रखो, कहीं का भाई तभी युद्ध हो गया तो क्या करोगे, पैसे वैसे तो है नहीं खरीदने के लिए। हाँ अभी ट्रंप और इमरान की मुलाकात हुई, जब से इमरान खान ये थे उसके घूम रहे थे, हमने हमारा दोस्त मिल गया अमेरिका, ये हो गया वो हो गया, और जैसे ही मोदी जी पहुंचे भैया उन्होंने जो हाथ मारा, अरे भैया ये ट्रंप को याद आ गया कि असली दोस्त तो हमारा इंडिया है। और बता रहे जब से आग बबूला होते गुनगुनाते फिर रहे इमरान खान, ये था तो चल रहा है। और राहुल गांधी का ट्वीट कर दिया उनने, और उसको भैया उसके आधार पे वहाँ पे यूएन में शिकायत कर दी, बताओ ये था तो चल रहा है। वो राहुल गांधी भी आए, वो उनको बाद में समझ में आता है क्या कर बैठती है, हाँ बाद में समझ में आता है उनको। और एक पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में होगा युद्ध, हम मैं बता रहा हूँ हम लोग है ना अक्टूबर नवंबर में दिवाली मनाएंगे, बिजी रहेंगे, पटाखे वटाखे फोड़ देंगे, हम एक सुतली बम फेंक देंगे उससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ और एक देखो हृदय विदारक समाचार सुन लो, बिहार में रिश्वत के चक्कर में एक इंजीनियर ने है ना ठेकेदार को जला दिया, बताओ रिश्वत नहीं दी तो, ये ऐसा तो चल रहा है। मैं बता रहा हूँ ये भैया कितने पैसे कमाओगे, कितने दस दस बीस बीस मकान बना के बैठे रहती हो, और अभी है ना मोदी जी बेनामी संपत्ति वाला नियम लाने वाले, ये भाई फालतू में चली जाएगी संपत्ति, कोई मतलब नहीं है बेवजह की मेहनत करने से, इंसान बनो ठीक से रहो अच्छे से रहो भैया, जितना मिल रहा है बहुत मिल रहा है। हाँ और यह खबर ये सुन लो, अमित शाह ने कहा है कि अपराधियों को अब थर्ड डिग्री से नहीं पूछताछ करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाओ। हमें पुलिस वालों का कहना है भैया कि हमारा सबसे वैज्ञानिक डंडा है, डंडा ही हमारा वैज्ञानिक तरीका है, डंडे से है ना हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरती है, ऐसा थोड़ी है डंडा चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा। वो ये खबर देख लो, ये भोपाल में कलेक्टरों ने क्या है बत्ती लगाने की मांग की है गाड़ियों पे। अब मेरा कहना ये है कि भैया ऐसे बढ़िया बढ़िया काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, क्षेत्र में जाके घूमो, लोगों से मिलो, अब यहाँ पहचान जाएंगे लोग, जरूरत नहीं पड़ेगी बत्ती लगाने की, ये बत्ती गुल हो जाए तुरंत ठीक करवाओ, है अपने आप नाम जानेंगे कलेक्टर साहब आ गए जिन्होंने बत्ती ठीक करवा दी, बता रहा हूँ ऐसा तो हो रहा है। और एक अच्छी खबर देश की बेटियों के लिए सुन लो, पीवी सिंधु है ना वर्ल्ड चैंपियन हो गई हैं, उन्होंने हरा दिया उनको होकू हरा को, बता रहा हूँ अब देश के लिए कितने बड़ी गौरव की बात है और सभी बेटियों के लिए प्रेरणा वाली बात है। तो ये थी अच्छी खबर से मैं समाचार समाप्त कर रहा हूँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक हाँ।